नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्वपंडित आकाश जाधव YouTube चैनल। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी जितने भी सांप हमने रेस्क्यू किए हैं, यह सभी सांप हम पर्यावरण में रिलीज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले यहाँ पर सांपों के बारे में जानकारी दूंगा और रिलीज़ करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे, मेरे हाथ में जो है ये स्लेंडर रेसर स्नेक, बिना जहर वाला सांप होता है, बहुत ही खूबसूरत सांप होता है। ये सांप बहुत कम दिखाई देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे दोस्तों, ये काटने की फिराक में है, हाथ से छूटने के लिए काट रहा है, लेकिन ये बिना जहर वाला सांप है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों, इस सांप को यहाँ पर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। फिर एक बार इसका नाम बता रहा हूँ, स्लेंडर रेसर स्नेक पर रिलीज़ करते हैं। तो दोस्तों, यह सुरक्षित जगह है, यहाँ पर इस सांप को मैंने रिलीज़ किया। और ये आप देख सकते हैं, कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, हिंदी में इसे अलंकृत इस नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में इस सांप को तस्कर इस नाम से जानते हैं, हिंदी में अलंकृत, इंग्लिश में कॉमन ट्रिंकेट स्नेक। तो चलिए, इसको यहाँ पर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। चलो, इसको भी रिलीज़ किया। और एक कुकरी स्नेक, बहुत ही प्यारा सांप, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सांप, ये भी यहाँ पर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। ये भी बिना जहर वाला सांप है, ध्यान से देख लीजिए इसको, कुकरी स्नेक किस तरह होता है, गोल्डन कलर में दिखाई देता है और उसके ऊपर ऐसे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको भी यहाँ पर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, कुकरी स्नेक, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। देखिए, ये सभी के सभी सांप यहाँ पर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। चलिए, एक धामन सांप है ये, दोनों भी धामन सांप है। धामन सांप बिना जहर वाला सांप है, लेकिन काटता बहुत जोर का है। ये देखिए, काटने की फिराक में ये भी। धामन सांप को इंग्लिश में इंडियन रैट स्नेक कहा जाता है और इस सांप को घोड़ा पछाड़ इस नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, दोनों सांप यहाँ पर रिलीज़ करते हैं, काफ़ी लंबे सांप होते हैं ये। चलिए, रिलीज़ करो। तो दोस्तों, आपने देखा, बड़े से दो धामन सांप यहाँ पर रिलीज़ किए, और देखते हैं कौन से सांप हैं। तो दोस्तों, खास करके दो सांपों के बारे में यहाँ पर मैं जानकारी देने वाला था, तो ये दोनों सांप यहाँ पर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ और इसके बारे में जानकारी भी दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे, जो मैंने पहले रिलीज़ किया, ये रसल स्वाइपर स्नेक, भारत का सबसे जहरीले सांप, सबसे खतरनाक सांप। दोस्तों, यह सांप बहुत से युवा लोग अजगर समझकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, और पकड़ने की कोशिश में यह सांप तेज़ी से अटैक करता है और उन लोगों की मौत भी होती है। तो इसलिए ध्यान से देखिए कि रसल स्वाइपर सांप किस तरह होता है और अजगर किस तरह होता है। इंग्लिश में इस सांप को रसल स्वाइपर स्नेक कहा जाता है, हिंदी में चित्ती, मराठी में घोनस। और यहाँ पर आप देखिए, ये अजगर सांप है, ये वाला। इंग्लिश में इसको इंडियन रॉक पाइथन कहा जाता है, हिंदी में मराठी में अजगर। तो आपके सामने ही दोनों सांप है, इन दोनों को देखकर आप इन दोनों का अंतर समझ सकते हैं कि रसल स्वाइपर सांप जो है, रसल स्वाइपर स्नेक जो है, इसके शरीर पर गोलाकार ऐसे धब्बे हैं चैन की तरह, हल्के से ब्राउन कलर में, हल्के से काले कलर में, हल्के से पीले कलर में, चैन की तरह गोलाकार धब्बे हैं रसल स्वाइपर के शरीर पर। और चैन की तरह जो धब्बे दिखाई देते हैं, उस पर वाइट कलर में बॉर्डर भी दिखाई देती है। तो काफ़ी तेज़ी से अटैक कर रहा है ये, देख सकते हैं। इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, ये बार बार अटैक करता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देख लेना, अभी इस सांप को मैं यहाँ पर रिलीज़ कर रहा हूँ, ये अपने पर्यावरण में आज़ाद है। रसल स्वाइपर जहरीला सांप होता है और ये पकड़ने में बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ। इसलिए ऐसे सांप पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा तजुर्बा होना ज़रूरी है। ऐसे अगर कोई पकड़ने की कोशिश करेगा तो ये सांप उसको 100% काट लेगा। तो दोस्तों, अजगर सांप जो है बिना जहर वाला होता है। तो दोस्तों, अजगर सांप की पहचान आप देख सकते हैं, इसके शरीर पर चॉकलेटी कलर में फैली हुई नक्शिया दिखाई देती है। और रसल स्वाइपर जो मैंने रिलीज़ किया, उसकी जो नक्शिया थी गोलाकार थी चैन की तरह। अजगर का मुँह जो है लंबा होता है और हल्का सा लाल दिखाई देता है। तो चलिए, इसको यहाँ पर हम रिलीज़ कर रहे हैं, रिलीज़ करो। तो दोस्तों, काफ़ी सारे सांप यहाँ पर हमने रिलीज़ किए।
तो दोस्तों अजगर और चित्ती सांप का अंतर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। आखिरी सांप बचा हुआ है, इसको यहाँ पर हम रिलीज करते हैं, देखते हैं कौन सा सांप है। कोबरा। तो दोस्तों यहाँ पर इस कोबरा सांप को मैं रिलीज कर रहा हूँ। चलिए ये अपने पर्यावरण में आज़ाद है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल बटन दबाइए।